हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSE वर्सेस IT, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। बात करेंगे शुरुआत में सिलेबस से लेकर एंड तक जाएंगे हम लोग प्लेसमेंट्स तक, पूरी इन डिटेल रिव्यू होगी कि एवरेज सैलरी कितना होता है और एक्सपीरियंस के बाद सैलरी कितनी जा सकती है। इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे फ्रॉम दी AICTE अप्रूव्ड सिलेबस के साथ, तो काफ़ी कुछ जानकारी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैं ऐसी की वीडियो बनाते रहता हूँ, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और हमारी प्लेलिस्ट और वीडियोस को जाकर चेकआउट करें जिनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पड़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेट एग्जामिनेशन 2022 के दे के आए हैं, तो दोस्तों आप लोगों को रैंक प्रिडिक्टर की जरूरत है जो अनअकैडमी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रही है, और अनअकैडमी में जाकर अपने रैंक को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा कि अनअकैडमी की इस पर्टिकुलर चीज़ को आप अभी जाकर चेक करें और अपने रैंक को प्रेडिक्ट करें। बट अगर आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारा स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज पे। साथ में यहाँ पर बता दूँ जो अभी 2024 या 2023 के एस्पिरेंट्स हैं तो उन लोग के लिए असेंड एंड इवॉल्व बैच रख दिया गया है। चाहे आपका ब्रांच आपके मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप लोगों का जो है कंप्यूटर साइंस हो, बट आप लोग यहां पर जाकर किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप 2024 में दे रहे हैं तो आप असेंड बैच को ज्वाइन करें, 2023 में गेट एग्जाम देंगे तो आप इवॉल्व बैच को ज्वाइन करें। खास बात यहां ये रहेगी दोस्तों कि आप लोग गेट कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें जो 27th को होने वाला है। इस गेट कॉम्बैट में आप लोग बहुत सारी एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं। 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को यहां पर मिलेगा मैकबुक, आप लोग को Amazon के वाउचर्स, घड़ी और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर 4 करोड़ का स्कॉलरशिप भी है। खास बात ये रहेगा कि आप 27th को उसको पार्टिसिपेट करें। यहाँ अनअकैडमी में आप किसी भी कोर्स को खरीदे तो आप लोग यहाँ पर ट्रिकस्टार कोड से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जो हमारे चैनल का फर्स्ट नेम है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो गेट कॉम्बैट फ्री के होते हैं, फ्री के वीडियोज होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप जाकर पा सकते हैं। तो अभी जाइए और चेकआउट कीजिए, मेरे सारे डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए वीडियो के साथ फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं CSE वर्सेस IT। तो जैसे कि CSE अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT की फुल फॉर्म देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादा से ज़्यादा CSE में हमें बातें सुनकर, मतलब सिर्फ वर्ड से इतना समझ में आ रहा है कि जो है हमारी चीज़ें काफ़ी डील करेंगी कंप्यूटर साइंस से और जो है उसकी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के ऊपर, और IT से हमें ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में रहेगा। पर सॉफ्टवेयर तो बेसिकली कंप्यूटर का एक पार्ट हुआ ना, तो इसका मतलब है IT जो है एक सबसेट बनता है CSE का। तो मतलब अगर हम देखें ये है CSE तो IT बनती है इसकी मैक्सिमम ऑफ द पार्ट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग से पढ़ाई जाती है जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट। सो जो है पूरी की पूरी जो है पूरा अंदर का जो सामान है वो IT ही डील करता है। तो आज के ज़माने में हम ये देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं कंप्यूटर पे, हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बातें करते हैं और सॉफ्टवेयर ही रही है। हार्डवेयर तो अब जो है इंजीनियर से काफ़ी दूर हो गया है। तो इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो IT इसमें जो है पूरा पार्ट ले लेती है। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डील्स विद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स और जो है उसकी सॉफ्टवेयर की डीलिंग्स। और यहाँ पर जो वेयर एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज दी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट विल डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब क्या क्या उसके अप्लाई करके हम बना सकते हैं इन बिजनेस और इससे हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर सेकंड हम बात करें तो जो कोर्सेज हैं उनमें सब्जेक्ट्स जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में हम देखेंगे आगे बात करें। इसके बाद अगर हम बात करें इट्स मोर फोकस्ड ऑन कोडिंग पार्ट, लाइक IT जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है कोडिंग पार्ट के ऊपर, जैसे कि हो गया आपका वेब डेवलपमेंट, आपका जो हो गया जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट, या फिर जैसे BCA में पढ़ते हैं कि जो है ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डीलिंग है, किस चीज़ों को हम बना सकते हैं, किन किन चीज़ों से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें IT की तो IT जो है एक नया ब्रांच है, आज से कुछ सालों पहले 10-15 साल पहले इसे बनाया गया था, जहाँ जो CSE है वो काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो CSE की पहले तो डिमांड नहीं रही करती थी, पर आज के ज़माने 10-15 सालों से CSE की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ने के कारण जो है सप्लाई का कमी होने के कारण क्या है IT ब्रांच को क्रिएट किया गया था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने इसको अपनाया और एज अ कोर्स करिकुलम इसे बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस इन कोर्स की तो कोर्स जो है आप यहाँ पर पढ़ के समझ सकते हैं,
इन डिज़ाइनिंग के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोसेसेस। यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड को, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोसेसेस। द स्टूडेंट स्टडी इन द एरिया विच इन्वॉल्व्स इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर बात हो रही है। तो सिलेबस अगर हम देखें, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में, जिसकी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, और ये AICTE अप्रूव्ड की ही जो है कोर्स करिकुलम है। तो जो यहाँ की कोर्स करिकुलम होगी वही AICTE अप्रूव्ड की है। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर्स में से जितने सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, दोनों PDFs हम लोग अपने वेबसाइट में प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर, आप देखिए कि पहले अगर हम मेन सब्जेक्ट्स देखें, थर्ड सेमेस्टर से जहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर, तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एनालॉग डिजिटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर बायोलॉजी, ये सब तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। बात करें डिज़ाइन एनालिसिस, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंडस्ट्रियल, और जितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल दैट, ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोग एग्जैक्टली जिस चीज़ में देखते हैं, जैसे थर्ड ईयर तक की जो है 2 सालों में आपकी मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाई होती है, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। मतलब आप जो है 7th और 8th सेमेस्टर में जितने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, डील करेंगे, वो सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रस्तुत है। और एंड में आप लोग इलेक्टिव्स में जैसे कि ई कॉमर्स, VLSI, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब ले सकते हैं। पर अगर हम IT की बात करें तो क्या ये प्रस्तुत है, इस चीज़ के बारे में चलिए देखते हैं। तो IT में अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिदम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन, सी, और आपके जो एक्स्ट्रा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इवन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस भी जो है सेम रखे गए हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों सब सेम है। बात करें तो सब सेम है, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई की कोर्स करिकुलम रहेगी, जैसे क्रिप्टोग्राफी, सिग्नल्स एंड नेटवर्क्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी आप यहाँ पर जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना चाहेंगे एज एन ऑप्शन, ये सारे जो है यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स में, कि जो है चीज़ें ऑलमोस्ट हमें जो है यहाँ पर सेम देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो प्लेसमेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, तो प्लेसमेंट में देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट सेम एज न्यू मार्केट सिनेरियो। एज न्यू मार्केट सिनेरियो क्या मांग रही है, वो मांग रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। तो कोर्स अगर काफ़ी सेम है तो दोस्तों किसी भी प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर का, वो IT में भी है और CSE में भी है, तो मतलब सेम है। अगर आप गेट एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो CSE का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है उसमें IT इंजीनियर्स भी एलिजिबल होते हैं उसी पेपर को देने के लिए, IT के लिए कोई अलग सा पेपर नहीं बनाया गया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, जैसे आर्मी का हो गया कुछ एग्ज़ाम्स, या फिर कुछ अलग अलग एग्जामिनेशन, जाए शायद इसरो, या फिर पता नहीं उनमें एलिजिबिलिटी है कि नहीं CSE वालों की, बट वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठते हैं तो आप CSE स्टूडेंट्स की तरह ही एलिजिबल होते हैं, IT इंजीनियर्स जो हैं वहाँ पर बैठते हैं। अगर हम चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जॉब सिनेरियो को, जैसे कि हमने बताया प्लेसमेंट साथ में होता है, तो जॉब सिनेरियो में देख लेते हैं। आजकल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग्स है जिनमें नॉर्मल कंपनीज आ रही हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, या फिर जो नए नए हैं असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट देते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी जो पोस्टिंग्स हैं उनमें जो है आजकल एवरेज सैलरी तो है यही एनुअल सैलरी निकल के आ रही है, लगभग 4,44,000 के करीब, जिसमें आपका जो है अगर आपके हाथ में कितना रुपये आता है तो वो है 32K के करीब जो है आपको मंथली अप्रॉक्स मिलती है CTC सब कट के। बात करें अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको डायरेक्ट पोस्ट लगती है तो आजकल आप देख सकते हैं TCS जो है इतना ऑफर आपको कर रही है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से लेकर आपको 60,000 तक जो है इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी, तो आप जो देखते हैं वहां पर 3,60,000 के अप्रॉक्स जो हर कॉलेज में वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट, तो वो होती सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट नहीं होती दोस्तों। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट शुरू होती है 4.2 से,
और यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट शुरू होती है 3.6 से, 3.6 से या फिर 3 से। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं दोस्तों, जो आप बोलते हैं ना 3 पॉइंट मिला है, 3.2 मिला है या 3 मिला है, तो वो ये पोस्ट होती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट। आया समझ में आपको? और अगर आप सिस्टम इंजीनियर जो होते हैं, जो नॉर्मल जैसे ईसीई वाले और आईटी वाले जाते हैं जिसमें सिस्टम इंजीनियर, जो उसमें जो पोस्ट लगती है दोस्तों वो लगती है 3.5 की अप्रॉक्स, या अगर एलपीए में देखें तो 3.2 लगता है। अगर हम इसके बाद बढ़े सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर, तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें जो है आप लोगों को ये मिलता है। पोस्ट की डिफरेंस आप मांगेंगे तो ये इंजीनियर की वर्क करते हैं और ये जो है आप लोगों को डेवलपर रहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टीम के पार्ट होते हैं ये। अगर बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर या प्रोग्रामर किसी की भी अगर हम बात करें, एवरेज सैलरी जो है इतनी हम ओवरऑल पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप समझे होंगे तो आपको जो है एग्जैक्ट नॉलेज मिला होगा कि आजकल सॉफ्टवेयर फील्ड में चल क्या रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके बाद, अगर आपकी एक्सक्रीज मतलब इंक्रीज होती है बाद में, तो एक साल से लेकर अगर 4 साल की एक्सपीरियंस हो जाती है तो दोस्तों आपकी 16 लाख तक भी सैलरी जो है जा सकती है पर ईयर। और अगर आप 19 साल 20 साल तक एक्सपीरियंसड हैं तो दोस्तों आपकी 30 लाख तक भी जा सकती है। काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी जल्दी जंप करते हैं बाई स्विचिंग देयर जॉब्स, तो काफ़ी अलग सी बात है। यहाँ पर बात करते हैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अगर उसकी बात करें जैसे कि हमने पहले बताया था, वो काफ़ी बढ़ते बढ़ते दिखते हैं। लेस देन एन ईयर जब पहला शुरुआत होता है तो मैंने आपको बताया इतना जो है अप्रॉक्स मिलता है, पर अगर वो बढ़ते बढ़ते 5-6 साल तक देख सकता है अपने आप को, तो 10 लाख तक जो है वो अपने आप को ऊपर इंक्रीज कर सकता है पर ईयर। पर गाइस 10 ईयर्स काफ़ी बड़ा स्पैन होता है, तब तक जो है वाइट कलर के जो दाढ़ी हैं आपके आना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग डेवलपर की पोस्ट में, तो 20 लाख तक का हाइक आप अपने आप को सोच सकते हैं इन फ्यूचर। दोस्तों शुरुआत तो कर सकते हैं कम में, पर इंक्रीज करना बाद में काफ़ी ज़रूरी है, तो इस दौरान भी इतना सोच सकते हैं आप अगर आप सिर्फ बीटेक कंप्लीट किए हैं सिर्फ तब, क्योंकि उसके बाद जो है आप हायर पोस्ट की डिग्री आपके पास है नहीं, तो जो है आपकी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल सकती। बाद में आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस एंड दैट आप कर सकते हैं, या फिर आपको रेफरल मिल गया दिस एंड दैट, तो काफ़ी अलग बात है। बट एवरेज सैलरीज में देखें तो आप अपने आप को 10 लाख से लेकर 20 लाख तक इन फ्यूचर 6 to 10 ईयर्स में आप अपने आप को देख सकते हैं इन दिस नंबर्स अपने आप को देख सकते हैं कि 10 से लेकर आप 20 तक अपने आप को सोच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्लेसमेंट्स में देखना है तो कोई डिफरेंस नहीं है, गेट एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस नहीं है, फ्यूचर एग्ज़ाम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ओवरऑल रैंकिंग में क्यों डिफरेंट आता है? क्योंकि गाइस सिंपल एंड इजी है कि जो है रैंकिंग में इसलिए डिफरेंस आता है कि लोगों को नॉलेज कम है। तो अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है, देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है और आपकी रैंक ज़रा सा है, तो आप CSE के लिए कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माई बेस्ट टिप, CSE के लिए कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप टॉप कॉलेज में रहेंगे। टॉप कॉलेज से आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, CSE के लिए कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ को बात करते हैं, अगर आप IT पढ़ रहे हैं या फिर आप CSE पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, आप टॉप कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इन फ्यूचर हम किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए इस चीज़ को हमें ज़रूर लिख के बताएं। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अपडेट्स, और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन को देखिए जहाँ पर हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय।